नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी क्लास में। आज हम आरएस एग्जाम के लिए थ्योरी का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्रैश कोर्स टाइप से आपको मैं ये टॉपिक करा देती हूँ ताकि आप कम समय में इसको रिवाइज कर पाओ। टॉपिक का नाम है बायोटेक्नोलॉजी, या इसी का ही आजकल मॉडर्न नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये आधुनिक युग में इसी को ही जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। सभी बच्चे एक बार मुझे कमेंट करके रिप्लाई कर दो तो हम क्लास को आगे कंटिन्यू करें। कल क्लास सेम टाइम पे होगी, वो तो आज ही मैंने थोड़ा इस टाइम पे लिए, बाकी हम उसी टाइम पे पढ़ेंगे। गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। सभी को नमस्ते। चलो, जो भी बच्चे क्लास में नए जुड़ते हैं, गुड इवनिंग किशन। मैंने ये देखो लाइव चैट में भी एक टेलीग्राम चैनल को पिन कर रखा है, उसको ज्वाइन कर लें, या फिर कोई बच्चा डायरेक्ट भी टेलीग्राम चैनल पर ये नाम सर्च कर सकता है जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है। तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो आपको सारे क्लासेज के पीडीएफ, क्लासेज की इंफॉर्मेशन और साइंस की क्विज भी मैं डेली करवाती हूँ, तो वो साइंस की क्विज भी आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। किशन, आई वॉच योर रिकॉर्डेड क्लासेस डेली। ओके किशन, गुड इवनिंग प्रीति। किशन, क्लास को लाइक शेयर करना है, कोई बात नहीं। आप रिकॉर्डिंग देखते हो या आप लाइव देखते हो, जैसे भी देखते हो, क्लास को लाइक शेयर किया करो। जो YouTube चैनल का नाम है वो अपने एप्लीकेशन का भी नाम है। सभी बच्चे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लें, कभी भी उस पर आपके लिए कोई कोर्स आ सकता है। अभी फिलहाल तो नहीं है आरएस वालों के लिए। चलो हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये टॉपिक का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। देखो, टॉपिक का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। इसको हिंदी में कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। हिंदी में कहते हैं जैव। आज थोड़ी क्लास लंबी हो गई है ना, 1.5 घंटा तो मिनिमम मान के चलो ही, तो ऐसे सांसें थाम के बैठे रहो। बायो शब्द का अर्थ हो, बायो मतलब बायोलॉजी, इसको जैसे हम बोल रहे हैं ना बायो, और फिर कहते हैं कि पूरा नाम है टेक्नोलॉजी। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी का अर्थ तो आप जानते ही हो, सजीव लिविंग्स होता है। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? तकनीक। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या करते हैं? सजीवों का तकनीकी में यूज करते हैं। लिविंग्स का टेक्निक में यूज ही क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी। गुड इवनिंग अनिल कुशवाहा। जनरली हम तकनीक वर्ड आते ही क्या समझते हैं? हमारे दिमाग में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी चीजें आने लग जाती हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी अलग है। इस टेक्नोलॉजी में किसका यूज करते हैं? और बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया था? कार्ल इरेकी ने। जैव प्रौद्योगिकी शब्द किसने दिया था? कार्ल इरेकी ने। पहले ये बायोटेक थी, आजकल इसमें कुछ आधुनिक प्रयोग हुए और इसी को ही क्या नाम दे दिया गया? जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोटेक का ही मॉडिफाई फॉर्म होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये कोई अलग चीज नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी ओल्ड हो गई है, उसको जब मॉडिफाई कर दिया तो वही जेनेटिक इंजीनियरिंग है। इसको हिंदी में बोलते हैं आनुवंशिकी अभियांत्रिकी। जेनेटिक इंजीनियरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, ये इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग का हिंदी में नाम है। अब देखो इसको मॉडर्न कैसे किया। पहले बायोटेक में वो चीजें आती थी, जीवाणु से दही जमा लिया, ईस्ट से ब्रेड बना लिया, अल्कोहल बना लिया, पहले वहां तक बायोटेक सीमित थी। अब इसके अंदर क्या करते हैं? डीएनए के साथ हेर फेर, प्लाइंग विद डीएनए एंड आरएनए। डीएनए के साथ हेर फेर किया जाता है, उसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब डीएनए के साथ में क्या हेर फेर करते हैं? तो इसमें एक डीएनए को दूसरे के डीएनए में
ट्रांसप्लांट करते हैं, दूसरे के डीएनए में समाहित कर दिया जाता है। एक डीएनए को दूसरे के डीएनए में प्रवेश करा दिया जाता है और इस प्रकार से ये जो टेक्निक बनती है वो कौन सी टेक्निक होती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब क्यों किसी के डीएनए को किसी दूसरे के डीएनए में ट्रांसप्लांट करेंगे? इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम है ना ऐसे नहीं पढ़ते हैं वो गोल्डन राइस, मैंने आपको कई बार पढ़ाया है आज तक गोल्डन राइस के बारे में। गोल्डन राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुनहरे चावल। सुनहरे चावल क्यों बनाए गए थे? ये सुनहरे चावल होते हैं विटामिन ए युक्त चावल, ये सब जानते हो कि ये विटामिन ए युक्त चावल, या ये होते हैं बीटा कैरोटीन युक्त चावल, बीटा कैरोटीन कंटेनिंग राइस या विटामिन ए कंटेनिंग राइस इज कॉल्ड गोल्डन राइस। बायोटेक्नोलॉजी की उपलब्धि है गोल्डन राइस। चावल से वैसे स्टार्च मिलता है, चावल वैसे मेन सोर्स किसका होता है? स्टार्च का। लेकिन ऐसे राइस बनाए जिनसे स्टार्च के साथ साथ क्या भी मिलने लगे, विटामिन ए भी मिलने लगे। सुनहरे पीले रंग के होते हैं तो इसको गोल्डन राइस नाम दे दिया। अब इसके लिए क्या किया, गोल्डन राइस की खोज की है। गुड इवनिंग अमृतलाल। गोल्डन राइस को बनाया था पॉट्रिकस और पीटर वियर ने। गोल्डन राइस को बनाया था पॉट्रिकस और पीटर बियर नामक साइंटिस्ट ने गोल्डन राइस को बनाया। कैसे बनाया? अब मैं आपको ये समझा रही हूँ कि डीएनए को क्यों एक डीएनए को दूसरे डीएनए से क्यों जोड़ते हैं। इसके लिए इन्होंने विटामिन ए की जीन किसमें ट्रांसफर की? चावल के पौधे में ट्रांसफर की। समझ गए क्या? विटामिन ए की जीन चावल के पौधे में ट्रांसफर की, जिससे ये चावल ने क्या बनाना शुरू कर दिया? विटामिन ए बनाना शुरू कर दिया। और अब ऐसे राइस को क्या नाम दिया गया? गोल्डन राइस, सुनहरे चावल। समझ गई क्या? विटामिन ए का जीन चावल के पौधे में ट्रांसफर किया। और जीन और डीएनए एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जीन छोटा होता है, डीएनए बड़ा होता है। डीएनए का ही एक छोटा खंड जीन होता है, तो डीएनए का ट्रांसप्लांट करो चाहे जीन का करो, बात एक ही है वो। तो समझ गए? अब मेरी बात सुनो, ये विटामिन ए का जीन किससे लिया गया था? तो एक पादप था जिसका नाम है डेफोडिल। इस डेफोडिल नामक पादप से विटामिन ए का जीन लेकर किसमें ट्रांसफर किया था? चावल के पौधे में। तो अब देखो, डेफोडिल नामक पादप से कोई जीन लिया और इस जीन को किसी दूसरे प्लांट में ट्रांसफर किया, तो ये टेक्निक क्या कहलाती है? जीन ट्रांसफर, जिसको और क्या भी कहते हैं, इस टेक्निक को बोलते हैं ट्रांसजेनिक तकनीक। ऐसे भी पूछा गया है गोल्डन राइस कौन सी विधि से बनाए गए हैं, तो गोल्डन राइस ट्रांसजेनिक विधि से बनाए गए हैं। इतना समझ गए क्या? इतना समझ, ये मैंने आपको क्यों बताया अभी यहाँ पर? मैंने आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग का अर्थ बताया ना, कि एक डीएनए को किसी दूसरी जाति के डीएनए में प्रवेश कराया जाता है और डीएनए का छोटा खंड क्या कहलाता है? जीन। डीएनए का छोटा खंड ही क्या होता है? जीन होता है। तो इसका उदाहरण जैसे मैंने आपको बताया ना कि इस डेफोडिल प्लांट से विटामिन ए का जीन लिया, उसको चावल में ट्रांसफर किया और अब इस चावल ने विटामिन ए बनाना शुरू कर दिया, इसको गोल्डन राइस नाम दिया गया। तो वही जीन ट्रांसफर किया ना यहाँ पर। इतना समझ गए क्या? अच्छा, अभी देखो मेरी बात सुनो। अब ये हम पढ़ रहे हैं कि इसकी टेक्निक क्या है, जीन ट्रांसफर करने की टेक्निक। इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, हिंदी में बोलते हैं पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक। ये होती है पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक। अब इस पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक की स्टेप्स पूछते हैं। मैंने आपको अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसकी स्टेप्स भी बताई थी, वापस से सुन लो। सबसे पहले तो क्या होता है, इच्छित जीन की पहचान और पृथक्करण।
इच्छित जीन की पहचान और फिर उसका पृथक्करण, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल जीन एंड सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ डिजायरेबल जीन, इच्छित जीन। जैसे देखो अभी मैं ये साथ साथ उदाहरण लेते हुए चल रही हूँ, जब गोल्डन राइस को बनाना था तो यहाँ पर इच्छित जीन कौन सा था, विटामिन ए का जीन एक इच्छित जीन था। अब इसको किस में ट्रांसफर करना था, चावल में, तो सबसे पहले इच्छित जीन की पहचान और पृथक्करण, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इच्छित जीन को, इच्छित जीन को वाहक के साथ जोड़ते हैं, इच्छित जीन को वाहक के साथ जोड़ते हैं। मतलब देखो किसी को कहीं से कहीं तक पहुंचाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक वाहक की, और वाहक को ही क्या कहते हैं, वेक्टर, वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ये विटामिन ए का जीन था, अब इसको चावल में ट्रांसप्लांट करना था तो कैसे ट्रांसप्लांट होगा भाई, अपने आप तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, अपने आप तो आप और मैं भी नहीं हुए थे, है ना, दुनिया में अपने आप कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पर एक किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वेक्टर की। वेक्टर को क्या बोलते हैं, वाहक। वाहक होता है लाने ले जाने वाला, ये जीन को कहीं से कहीं पर पहुंचा देगा, तो एक वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। किशन, ये देखो किशन ऊपर ये टेलीग्राम पिन कर रखा है, इसको ज्वाइन कर लो। हाँ बिल्कुल, वांछित जीन। अब यहाँ पर वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको वेक्टर के साथ जब जोड़ देते हैं ना, तो वेक्टर के साथ जोड़ने से फिर यहाँ पर क्या बन जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। चलो आप इसको तो हटाओ, आप इसको मत समझो, आप तो इतना समझ लो अभी कि जो ये वांछित जीन था ना, इच्छित जीन था ना, उसको किसी वाहक के साथ जोड़ दिया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, वाहक को किसी होस्ट सेल में, वाहक को कोशी कोशिका में। देखो आपको एक स्टेप और क्लियर कर दूं, यहाँ पर बताना जरूरी है अभी यहाँ पर ही, जब वाहक के साथ कौन जुड़ जाता है, इच्छित जीन, तो इन दोनों को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या इसको हिंदी में कहते हैं पुनर्संयोजी डीएनए, इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्संयोजी डीएनए कहते हैं। जब वाहक के साथ में कौन जुड़ जाएगा, इच्छित जीन, तो अब इसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्संयोजी डीएनए। आप ये बात ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर इच्छित जीन को मैंने किसके साथ जोड़ दिया, वाहक के साथ, तो अब खाली वाहक नहीं है, वाहक के साथ इच्छित जीन भी है, और ये दोनों मिलाकर क्या कहलाएंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएंगे। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करते हैं, परपोषी कोशिका में स्थानांतरित, परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करते हैं, और इस परपोषी कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होस्ट सेल। और आप ये ध्यान रखना, जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत होस्ट सेल के रूप में ज्यादातर कौन काम आता है, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में भी स्पेशली कौन सा बैक्टीरिया, ईकोलाई, जनरली ईकोलाई बैक्टीरिया और ईस्ट, ईकोलाई बैक्टीरिया और ईस्ट, ये दोनों एक परपोषी कोशिका के रूप में काम में लिए जाते हैं। अब ये फोर नंबर पर क्या होगा, परपोषी कोशिका में, परपोषी कोशिका में इच्छित जीन की क्या होगी, क्लोनिंग, इच्छित जीन की क्लोनिंग, और क्लोनिंग के द्वारा इस इच्छित जीन की बहुत सारी प्रतियां प्राप्त कर ली जाएंगी, और फिर एट लास्ट में इनका क्या हो जाएगा, सेपरेशन।
पृथक्करण, इच्छित जीन का पृथक्करण हो जाएगा। समझ गई क्या? सेल में ट्रांसफर करते हैं, बस फिर ज्वाइंड हो ऑलरेडी, तो फिर क्यों पूछ रहे हो? मेरी बात सुन लो, ये आरएस मेंस में आया था, ई कोलाई बैक्टीरिया की क्लोनिंग से इंसुलिन हार्मोन बनाया गया है, आर्टिफिशियल इंसुलिन, जिसका यूज होता है मधुमेह के उपचार में। जो मधुमेह के रोगी होते हैं ना, उनके सुबह शाम इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, तो मधुमेह के उपचार के लिए कृत्रिम इंसुलिन बनाया था ई कोलाई की क्लोनिंग से। आरएस मेंस के अंदर उसका वो पूछा था, उसमें लिखना होता है, तो पूरी प्रोसेस पूछी थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक की। बताओ इंसुलिन को कैसे बनाया, चित्र सहित वर्णन करो। चित्र का मतलब है आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो ना उसको। तो सबसे पहले देखो, जब अगर इंसुलिन बनाना है, कृत्रिम इंसुलिन बनाना है, तो हमारा इच्छित जीन कौन हो जाएगा? इंसुलिन। उसकी पहचान और उसका पृथक्करण करेंगे, अब उसको किसी वाहक के साथ जोड़ देंगे। वाहक के साथ जब जोड़ देते हैं तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी परपोषी कोशिका में ट्रांसफर करते हैं, और परपोषी कोशिका या होस्ट सेल में जनरली कौन काम आता है? ई कोलाई बैक्टीरिया और ईस्ट। ईस्ट एक प्रकार की कवक होती है, फंगस होती है ये। और फिर परपोषी कोशिका में इच्छित जीन की क्लोनिंग, क्लोनिंग से इस इच्छित जीन की बहुत सारी प्रतियां प्राप्त हो जाती हैं, और फिर एट लास्ट इसका क्या कर लेते हैं, सेपरेशन कर लेते हैं। बिल्कुल प्रीति ने सही लिखा है, ह्यूम्यूलिन। अब देखो मैं आपको है ना इसको चित्र से बना के बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये लिया इच्छित जीन, ये वाला है इच्छित जीन, ये है, इसको इंग्लिश में डिजायरेबल जीन कहते हैं, या ये फॉरेन जीन भी होता है। ये तो क्या बन गया, इच्छित जीन, डिजायरेबल जीन। अब इस डिजायरेबल जीन को किसके साथ में, किसकी जरूरत है अब हमें? एक वाहक की जरूरत है कि ये हमारा जो इच्छित जीन है, इसको इसके हमें जहां जरूरत है वहां इसको पहुंचा दे। अब इसको पहुंचाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाहक या एक वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। और आप जनरली ध्यान रखना, बायोटेक के अंदर मल्टीपल वेक्टर्स होते हैं। जैसे कि देखो मैं कुछ वेक्टर के नाम लिख रही हूँ यहाँ पर। वेक्टर होता है जैसे प्लाज्मिड, एक जैसे वेक्टर होता है कॉस्मिड, कॉस्मिड भी एक वेक्टर होता है, एक वेक्टर होता है जैसे जीवाणु भोजी, और इस जीवाणु भोजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। जीवाणु भोजी को क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। ये सारे वेक्टर होते हैं, है ना। ऐसे दिमाग में कॉन्सेप्ट मत बना लेना कि केवल प्लाज्मिडी वेक्टर होता है। एक प्लाज्मिडी एकमात्र वेक्टर नहीं है, मल्टीपल वेक्टर्स होते हैं। प्लाज्मिड थोड़ा फेमस ज्यादा है, तो कॉस्मिड भी होता है, बैक्टीरियोफेज भी होता है, ये सभी वैक्टर होते हैं। अभी हम कौन सा वैक्टर यूज कर रहे हैं, अभी मान लो कि हमने यहाँ पर कौन सा वैक्टर लिया, प्लाज्मिड वाहक। अब ये कोई बता सकता है क्या, ये प्लाज्मिड वाहक कहाँ मिलेगा, प्लाज्मिड वाहक कहाँ मिलेगा? ऐसे थोड़ी कोई घूम रहा है बाजार में, सब्जी मंडी में मिल रहा है जो प्लाज्मिड वाहक को लेके आ जाएंगे। ये भी तो कहीं ना कहीं से मिलेगा ना। अब इस प्लाज्मिड वाहक को एंजाइम की सहायता से ऐसे कट करते हैं, यहाँ से इसको कट कर दिया, और यहाँ पर कट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसको कट करने के बाद इस इच्छित जीन को इस प्लाज्मिड के अंदर जोड़ देते हैं। अब ये हमारा जो इच्छित जीन था ना, ये इस प्लाज्मिड के साथ में जुड़ गया, और अब ये जो जुड़ गया ना, जुड़ने के बाद में जो बना, इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हिंदी में कहेंगे पुनर्संयोजी डीएनए, और इसी को ही क्या कहते हैं, काइमेरिक डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्संयोजी डीएनए या काइमेरिक डीएनए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, काइमेरिक डीएनए किसे कहते हैं? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ही क्या कहते हैं, काइमेरिक डीएनए। समझ गई क्या, समझ में आ रहा है क्या? आंसर लिख दो, जो बता रही हूँ वो समझ में आ रहा है क्या? एक बार रिप्लाई लिख दो, फटाफट लिखो। हाँ, अमेरिका की ईली लीली कंपनी ने बनाया था इंसुलिन को, वो अभी आगे लिखाऊंगी।
वो अचीवमेंट है बायोटेक्नोलॉजी के, वो बायोटेक के अचीवमेंट्स हैं। ये समझ में आ रहा है क्या? यहाँ भी एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब इनको जोड़ा, यहाँ पर इच्छित जीन को प्लाज्मिड के साथ जोड़ा, तो यहाँ भी किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? एंजाइम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एंजाइम के बिना कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। जैसे हम घर में भी तो क्या करते हैं, सब्जी को काटते हैं, तो काटते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? उसकी नाइफ की, चाकू की। तो काटने के लिए एंजाइम आएंगे। आपको जोड़ना है, कपड़े सिलने हैं तो हमें कपड़े सिलने की मशीन लगानी पड़ती है, तो यहाँ पर जोड़ने के लिए भी एंजाइम आएंगे। जैसे हम घर में चाकू भी यूज करते हैं, हम मशीन भी यूज करते हैं, किसी से हम काट रहे हैं, किसी से हम जोड़ रहे हैं, तो ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स काम आते हैं। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है ना, इसको किस में ट्रांसफर करना है? इसको ट्रांसफर करते हैं परपोषी कोशिका के अंदर। ये है परपोषी कोशिका, होस्ट सेल। और मैंने आपको बता ही दिया है कि होस्ट सेल के रूप में जनरली कौन यूज होता है? या तो बैक्टीरिया, या फिर कौन यूज होता है? ईस्ट। और बैक्टीरिया में भी सबसे ज्यादा कौन सा? ई कोलाई। तो इसमें क्या है कि बहुत सारी क्लोनिंग होगी इसकी। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए की क्या हो जाएगी? क्लोनिंग। और क्लोनिंग होने से ये बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेंगे, और फिर इनका क्या कर लेते हैं? सेपरेशन। सेपरेशन करके इनको जीन बैंक में रख लेते हैं, जीन लाइब्रेरी में रख लेते हैं। इसलिए जीन बैंक बनाए जाते हैं ना, जीन लाइब्रेरी बनाई जाती है। तो ये परपोषी कोशिका में बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गए। मेन थीम यही है इसकी, मेन थीम यही है। अब इसके बहुत सारे आजकल यूज हो गए हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई ना कि कौन काम आते हैं, एंजाइम काम आते हैं। तो एंजाइम देखो काटने वाले भी काम आ रहे हैं, प्लाज्मिड को काटा भी है, फिर उन दोनों को जोड़ा भी है। तो काटने वाला एंजाइम कौन सा होता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंजाइम नंबर फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को हिंदी में बोलते हैं सीमाकारी प्रतिबंधित एंजाइम। ये हिंदी में कहलाता है सीमाकारी प्रतिबंधित एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ये हिंदी में कहलाता है सीमाकारी प्रतिबंधित एंजाइम। इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की खोज की थी स्मिथ, नाथन्स और आर्बर ने। स्मिथ, नाथन्स और आर्बर, इनको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की खोज के लिए क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम किसमें से खोजा था? तो इस एंजाइम को इन्होंने स्टार्टिंग में खोजा था ई कोलाई नामक जीवाणु में से। शुरू में ई कोलाई नामक जीवाणु में से इसको खोजा गया, लेकिन बाद में तो ये मल्टीपल बैक्टीरिया से डिस्कवर किया जा चुका है। ऐसा नहीं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज केवल ई कोलाई में ही मिलता है। अब तो बहुत सारे जीवाणुओं से अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज सेपरेट किए जा चुके हैं। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए को स्पेसिफिक साइट से कट करता है, डीएनए को विशिष्ट स्थानों से कट करता है, स्पेसिफिक साइट से कट करता है। अतः इसे क्या बोलते हैं? डीएनए का चाकू। अतः इसे डीएनए का चाकू, या क्या कहते हैं? डीएनए की कैंची, या इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स, आणविक कैंचिया। मॉलिक्यूलर सीजर्स या क्या कहते हैं? आणविक कैंचिया भी कहा जाता है। समझ गए क्या? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए को स्पेसिफिक साइट से कट करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डीएनए का चाकू, डीएनए की कैंची, या मॉलिक्यूलर सीजर्स, आणविक कैंचिया। और जो शुरू में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज ई कोलाई में से डिस्कवर किया गया था ना, इसकी स्पेसिफिक साइट थी एडिनिन और गवानिन। ये डीएनए को किसके बीच में से कट करता था? एडिनिन गवानिन के बीच में से कट करता था। स्पेसिफिक साइट भी होती है, सबकी फिक्स होती है।
तो इसकी स्पेसिफिक साइट क्या थी? ये डीएनए को एडिनिन और गवानिन के बीच में से कट करता था, डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, डिफरेंट मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहा जाता है। अब फिर ये जो रेस्ट्रिक्शन है ना, इसके भी फिर दो टाइप्स आ जाते हैं। एक तो होता है देखो जैसे एंडोन्यूक्लिएज, एक होता है एंडोन्यूक्लिएज और एक कौन सा होता है एक्सोन्यूक्लिएज। एंडोन्यूक्लिएज और एक्सोन्यूक्लिएज, ये एंडोन्यूक्लिएज डीएनए को कहाँ से काटता है? बीच में से। डीएनए को बीच में से काटता है, डीएनए को बीच में से काटता है, जबकि एक्सोन्यूक्लिएज डीएनए को कहाँ से काटता है? ये डीएनए को मध्य में से काटता है। सॉरी उल्टा लिख दिया क्या मैंने? हाँ, एंडो यानी बीच में, एक्सो यानी बाहर, बाहर से कट करता है। बाहर का मतलब होता है सिरों से, ये डीएनए को सिरे से काटता है, साइड में से कट करता है, ये बीच में से कट करता है। ये सारे कट कट करने वाले हैं। एक एंजाइम आता है डीएनए लाइगेज, ये डीएनए लाइगेज क्या करता है? डीएनए खंडों को जोड़ता है, ये डीएनए को जोड़ता है। डीएनए लाइगेज क्या करता है? डीएनए को जोड़ता है। अब देखो यहाँ पर जैसे हमने ये टेक्निक बनाई थी अभी, तो यहाँ पर जोड़ने की भी तो जरूरत पड़ी थी ना। ये डिजायरेबल जीन था जिसको इस डीएनए के साथ जोड़ा, तो ये वाला एंजाइम जोड़ने वाला ही तो था। तो जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है यहाँ पर? डीएनए लाइगेज। और काटने वाला कौन सा होता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। इसमें एंडो आता है और एक्सो आता है, एक्सो सिरों से काटता है, एंडो बीच में से काटता है। बस ये इसकी बेसिक थीम है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बेसिक थीम यही है। समझ गए क्या? अब हमें इसकी क्या पढ़नी है? उपलब्धियां, अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग की उपलब्धियां, अचीवमेंट। और इसका अचीवमेंट नंबर वन क्या बनाया गया इस टेक्निक के द्वारा? कृत्रिम इंसुलिन, आर्टिफिशियल इंसुलिन हार्मोन बनाया था 1983 में अमेरिका की ईली लिली कंपनी ने, 1983 में अमेरिका की ईली लिली कंपनी ने, ये ईली लिली कंपनी है, इसने इस कृत्रिम इंसुलिन को किससे बनाया था? ई कोलाई की क्लोनिंग से, ई कोलाई जीवाणु की क्लोनिंग से क्या बनाया था? कृत्रिम इंसुलिन, ई कोलाई जीवाणु की क्लोनिंग से कृत्रिम इंसुलिन बनाया था। और इस आर्टिफिशियल इंसुलिन का नाम क्या है? इस आर्टिफिशियल इंसुलिन का नाम क्या है? ह्यूम्यूलिन। ये मार्केट में किस नाम से मिलता है? ह्यूम्यूलिन के नाम से मिलता है। आपको पता होगा कि जो मधुमेह के रोगी होते हैं ना, उनके सुबह शाम इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। तो इंसुलिन का इंजेक्शन तो तभी लगेगा ना जब वो बाहर मिल रहा है। तो बाहर इंसुलिन को आर्टिफिशियली बना लिया गया है, और जो आर्टिफिशियली इंसुलिन बनाया है उसका नाम क्या है? ह्यूम्यूलिन है। समझ गए क्या? तो कृत्रिम इंसुलिन बनाया था ह्यूम्यूलिन। अब जैसे हम पढ़ते हैं ना, पीयूष ग्रंथि पढ़ते हैं, पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है वृद्धि हार्मोन। बहुत से बच्चों में यदि वृद्धि हार्मोन की कमी हो जाती है तो बच्चे कैसे रह जाते हैं? बौने। तो बौनेपन के इलाज के लिए क्या बनाया गया? कृत्रिम वृद्धि हार्मोन। बौनेपन के इलाज के लिए कृत्रिम वृद्धि हार्मोन बनाया गया, और इस कृत्रिम वृद्धि हार्मोन का नाम क्या है? प्रोटोपीन। कृत्रिम वृद्धि हार्मोन का नाम क्या है? प्रोटोपीन। और प्रोटोपीन का यूज किसमें होता है? बौनेपन के इलाज के लिए, बौनेपन के इलाज के लिए, ड्वार्फिज्म के ट्रीटमेंट के लिए किसका यूज करते हैं? कृत्रिम वृद्धि हार्मोन प्रोटोपीन का। समझ गए? तो एक तो हमने क्या लिखा, कृत्रिम इंसुलिन बनाया जिसका नाम ह्यूम्यूलिन है, कृत्रिम वृद्धि हार्मोन बनाया जिसका नाम प्रोटोपीन है। इसके अलावा तीसरा, मल्टीपल अचीवमेंट्स हैं। जैसे हमने अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि गोल्डन राइस बनाए गए,
तो गोल्डन राइस भी तो इसी टेक्निक से बनाए थे ना, जीन ट्रांसफर करके, विटामिन ए का जीन था जो चावल के पौधे में ट्रांसफर किया, तो गोल्डन राइस बनाए गए थे इस टेक्निक से। हाय मारोटी गजाला। और इसके अलावा और आप भी बता सकते हो, अब में तो गोल्डन राइस मैंने समझा दिए हैं। एक लिखो यहाँ पर फ्लेवर सेवर टमाटर, फ्लेवर सेवर टमाटर, फ्लेवर सेवर टमाटर बनाए गए थे। आपने जनरली टमाटर देखे होंगे ना, मतलब पतली झिल्ली वाले होते हैं, तो आयात निर्यात में फट जाते हैं, टमाटर खराब हो जाते हैं, इसलिए टमाटर की एक नई किस्म बनाई गई थी जिसका नाम है फ्लेवर सेवर टमाटर। ये फ्लेवर सेवर टमाटर कैसे हैं, मोटी भित्ती वाले, ये हैं मोटी भित्ती वाले, ठीक। इनकी विशेषता है, इनकी विशेषता क्या है, मोटी भित्ती वाले हैं तो ये आयात निर्यात में खराब नहीं होते हैं। तो इनके लिए क्या किया था, कोशिका भित्ति को डिजोल्व करने वाला एक एंजाइम होता है पॉली गैलेक्टोन्यूरेज। इस पॉली गैलेक्टोन्यूरेज की मात्रा को कम करके ये फ्लेवर सेवर टमाटर बनाए गए, जिनकी मोटी भित्ति होती है तो आयात निर्यात के दौरान ये खराब नहीं होते। जैसे हम एक पढ़ते हैं बीटी कॉटन, अब इसकी बीटी की बहुत सारी चीजें बना ली गई हैं, बीटी कॉटन, बीटी बैंगन, बहुत सारे मतलब बीटी प्लांट्स बना लिए गए हैं। अब इस बीटी की फुल फॉर्म बताओ, ये तो फेमस प्रश्न है एग्जाम्स का, बीटी की फुल फॉर्म बताओ। प्रीति तुम बताओ बीटी की, मैं तो रोज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कराती रहती हूँ ना बीटी को, तो बीटी की फुल फॉर्म बताओ। लिखो, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ, बीटी कॉटन, बीटी बैंगन, सुपर पोटेटो। बीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, बीटी की फुल फॉर्म होती है बैसिलस थुरैंजी एंसिस, बैसिलस थुरैंजी एंसिस। ये बैसिलस थुरैंजी एंसिस एक क्या है, जीवाणु। इस बैसिलस थुरैंजी एंसिस जीवाणु से कौन सा जीन निकाला था, बीटी जीन। इस बीटी जीन को क्या भी बोलते हैं, क्राइजीन, या इसको क्या भी कहते हैं, क्राई प्रोटीन। ये बीटी जीन क्या उत्पन्न करता है, बीटी विष। ये बीटी जीन होता है ना, ये बीटी विष उत्पन्न करता है, ये बीटी विष उत्पन्न करता है। अब इस बीटी जीन को किसमें ट्रांसफर किया गया, कपास के पौधे में ट्रांसफर किया, तो कपास में ट्रांसफर किया गया, तो जिससे इस कपास या कॉटन ने क्या बनाना शुरू कर दिया, कॉटन ने खुद ने बीटी विष बनाना शुरू कर दिया। कॉटन के अंदर अब क्या बनने लग गया, बीटी विष बनने लग गया। अब जैसे ही कीट, ये ना जो बीटी कॉटन होती है ना, ये है कीट प्रतिरोधी कपास, ये होती है कीट प्रतिरोधी कपास। बीटी कॉटन होती है कीट प्रतिरोधी कपास, कीटों से बचाने के लिए, कॉटन में इंसेक्ट नहीं लगे। तो अब इस कॉटन ने बीटी विष बनाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही इंसेक्ट इस कॉटन को खाने आएगा, इंसेक्ट जैसे ही इस कॉटन के पास पहुंचेगा, तो इस कॉटन से इस इंसेक्ट में कौन ट्रांसफर होगा, बीटी विष। और बीटी विष देखो है ना, वैसे इनएक्टिव होता है, वैसे इनएक्टिव होता है। जैसे ही इंसेक्ट की आंत में जाता है, तो इंसेक्ट की आंत के क्षारीय माध्यम में ये बीटी विष एक्टिव हो जाता है, जिससे इसकी आंतों की दीवारों में छेद हो जाते हैं और कीट मर जाता है। समझ गए क्या, क्योंकि आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए। बैसिलस थुरैंजिएसिस सही लिखा है विनू ने, ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि बीटी विष इस बैक्टीरिया को नष्ट क्यों नहीं करता है। बीटी विष जनरली इनएक्टिव निष्क्रिय अवस्था में रहता है, जैसे ही ये इंसेक्ट की आंत में जाता है ना, तो इसकी आंत के क्षारीय माध्यम में एक्टिव हो जाता है, और इसकी आंत के क्षारीय माध्यम में एक्टिव हो जाएगा तो इसकी आंतों में छेद हो जाते हैं, जिससे इस कीट की मृत्यु हो जाती है। तो ये बीटी कॉटन का कॉन्सेप्ट है, इतना समझ गए क्या। अच्छा, इसके अलावा रक्त का थक्का घोलने, कौन सा नंबर है, 5, 6 नंबर, रक्त का थक्का घोलने वाले एंजाइम, रक्त का थक्का घोलने वाले एंजाइम बनाए गए। जैसे आजकल वो नहीं हो जाता है कि किसी के ब्लड क्लॉट नहीं होता है क्या,
हार्ट अटैक होता है, बीपी होता है, तो उनमें क्या होता है, बॉडी में क्लॉट्स बन जाते हैं। अब क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए एंजाइम बनाए गए जिनका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। और क्या बनाया, यूरोकाइनेज। एंजाइम बनाए थे यूरोकाइनेज और स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम बनाए जो ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व कर देते हैं। इसके अलावा एक इंटरफेरॉन प्रोटीन भी बनाई गई आर्टिफिशियली, इंटरफेरॉन प्रोटीन। ये इंटरफेरॉन प्रोटीन भी ईकोलाई की क्लोनिंग से ही बनाई गई थी। इस इंटरफेरॉन प्रोटीन का क्या यूज है, टेट का एग्जाम है तो क्या करूं अब मैं, विशाल बी मैम विटामिन के, ये विटामिन के कहाँ से आ गया बीच में। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि ये जो बनाया था ना इंटरफेरॉन प्रोटीन, इसका काम बताओ। ये इंटरफेरॉन प्रोटीन होती है ना हमारी ये वायरस के अगेंस्ट बनने वाली प्रोटीन होती है हमारी सेल्स के अंदर, तो ये हमें वायरस के आक्रमण से, कैंसर सेल्स से बचाती है। ये इंटरफेरॉन होती है वायरस को नष्ट करने वाली प्रोटीन, वायरस को नष्ट करने वाली प्रोटीन होती है, हमारी सेल्स को अवेयर करती है। प्रोटीन संश्लेषण करना बंद कर दें सेल, ये हमारी सेल्स को वायरस के आक्रमण से बचाने वाली प्रोटीन होती है इंटरफेरॉन। तो ये भी आर्टिफिशियली बना ली गई है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। 8वें नंबर पर एक क्या बनाए गए, सुपर पोटेटो, सुपर पोटेटो बनाए। एक बहुत सारे अचीवमेंट से मैं तो आपको मुख्य मुख्य लिखा रही हूँ, नहीं तो बायोटेक अपने आप में 5-7 घंटे का टॉपिक है अगर इसको ढंग से पढ़ते हैं तो। मैं अभी एग्जाम के पर्पज से मैनमेंट टॉपिक पढ़ा रही हूँ और इसके कुछ क्वेश्चंस करा दूंगी। सुपर पोटेटो क्या होते हैं और एम फ्लोरा क्या होते हैं। सुपर पोटेटो होते हैं प्रोटीन युक्त आलू, सुपर पोटेटो क्या होते हैं, प्रोटीन युक्त आलू, ऐसे आलू जिनसे क्या मिले, प्रोटीन। वैसे देखो आलू किसका मेन सोर्स होता है, आलू सोर्स होता है स्टार्च का, तो सुपर पोटेटो से क्या मिलता है, प्रोटीन। ये ऐसे स्पेसिफिक आलू बनाए जिनसे प्रोटीन मिले। एम फ्लोरा क्या होते हैं, विशिष्ट स्टार्च युक्त आलू, एम फ्लोरा विशिष्ट स्टार्च युक्त आलू। मतलब आलू तो मिलता ही है जनरली, वैसे भी आलू से स्टार्च तो मिलता ही है, लेकिन और ज्यादा स्टार्च मिले उसके लिए बनाए गए थे एम फ्लोरा। एम फ्लोरा होते हैं ज्यादा स्टार्च वाले। हाँ शिक्षा ने सही लिखा है, शिक्षा जगत ने, सुपर पोटेटो होते हैं प्रोटीन से भरपूर आलू। इंटरफेरॉन एनी ऑफ सीवियरल रिलेटेड प्रोटीन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी सेल्स एज ए डिफेंसिव रेस्पॉन्स टू वायरसेस। हाँ ये इंटरफेरॉन प्रोटीन हमारी सेल्स को वायरस के आक्रमण से बचाती है, कैंसर सेल को स्प्राइड होने से रोकती है। तो इसको बनाया, सुपर पोटेटो बनाए, एम फ्लोरा बनाए। एम फ्लोरा है विशिष्ट स्टार्च युक्त आलू। एक बनाया था सुपर बग, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, जैसे एक है सुपर बग। अब सुपर बग पूछते हैं एग्जाम में किसने बनाई है सुपर बग। सुपर बग को बनाया है प्रोफेसर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने, प्रोफेसर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने स्यूडोमोनास प्यूटिडा नामक जीवाणु से, स्यूडोमोनास प्यूटिडा नामक जीवाणु की नई प्रभेद बनाई। स्यूडोमोनास प्यूटिडा नामक जीवाणु की नई प्रभेद बनाई, स्ट्रेन बनाई थी इस बैक्टीरिया की, स्यूडोमोनास प्यूटिडा की। और इसको क्या नाम दिया गया था, सुपर बग। और इस सुपर बग का क्या यूज है, इस सुपर बग का क्या यूज है। जैसे समुद्र के रास्ते से तेल का आयात निर्यात होता है ना जहाजों से, तो अगर वहां पर तेल बिखर गया, तेल तो फिर वह समुद्र में कोई उसको डिजोल्व तो करने, साफ करने तो जा नहीं सकता है। और अगर ऐसे तेल की परत पानी पर बनी रहेगी तो वो पॉल्यूशन का काम करती है, तो उस पर ये सुपर बग बैक्टीरिया डाल दिए जाते हैं जो उस समुद्र पर फैले हुए तेल का क्या कर देते हैं, अपघटन। समझ गए क्या, ये सुपर बग बैक्टीरिया। रामदाने, प्रोफेसर रामदाने हैं ये सुपर पोटेटो बनाने वाले, दिल्ली का ही था कोई इंस्टीट्यूट शायद, उनका नाम है
प्रोफेसर रामदाने जिन्होंने सुपर पोटेटो बनाए थे, इसका यूज होता है समुद्री तेल का अपघटन करने के लिए। समुद्री तेल का अपघटन करने के लिए क्या बनाए गए थे? सुपर बग बनाए थे। समुद्र पर फैले हुए तेल का क्या कर देते हैं? अपघटन। समझ गए, तेल का अपघटन है सुडोमोनास प्यूटिडा की। जियांट माउस बनाए गए थे, बड़े आकार के चूहे। जियांट माउस जिनको हिंदी में क्या बोलेंगे, जियांट मतलब बड़े, तो बड़े आकार के चूहे बनाए गए थे। इसके लिए किसका ट्रांसफर करेंगे चूहों में? वृद्धि हार्मोन का। तो ये बनाए गए थे बड़े आकार के चूहे, वृद्धि हार्मोन का ट्रांसप्लांट करके। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की कुछ उपलब्धियां हैं। और भी इसके अंदर बहुत सारे काम आते हैं, जैसे कि बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए। ट्रांसजेनिक क्या बनाए थे? जंतु और पादप। ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, जैसे ट्रांसजेनिक प्लांट में आ गया ना विटामिन डी, वो गोल्डन राइस बनाया गया जिसमें जीन का ट्रांसफर किया। तो जिनमें ना जीन ट्रांसफर किए जाते हैं ना, जीन ट्रांसफर करके कुछ हेर फेर की जाती है, वो कहलाते हैं जीएमओज। जीएमओज की फुल फॉर्म क्या होती है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिनको जीन में हेर फेर करके, जैसे गोल्डन राइस के जीन में हेर फेर किया, या कोई जैसे हम पढ़ते हैं ना ट्रांसजेनिक एनिमल में हम पढ़ते हैं रोजी गाय आई थी 1977 के अंदर। मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार आपको रोजी गाय के बारे में बताया है। ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक गाय है, प्रथम ट्रांसजेनिक गाय है 1977 में आई थी रोजी। अब रोजी को किस उद्देश्य से बनाया गया था? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में रोजी आई थी, तो रोजी को किस उद्देश्य से बनाया गया था? रोजी को बनाने का, मानव प्रोटीन संपन्न दूध, ऐसा प्रोटीन होता है जो मानव के दूध में मिलता है। ऐसा प्रोटीन जो ह्यूमन फीमेल के मिल्क में मिलेगा, वो इस रोजी के मिल्क में मिलता है। 2.4 ग्राम पर लीटर इसमें अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन होता है। इस दूध के अंदर ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन होता है। और ये ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन है ना, ये ह्यूमन के बच्चे होते हैं ना, इंसानों के बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो रोजी गाय फर्स्ट ट्रांसजेनिक गाय है, जिसमें हमारे ह्यूमन फीमेल के मिल्क में जो पौष्टिक होता है ना आहार, जो प्रोटीन होता है, वो इस रोजी गाय के दूध में मिलता है। और इसके अंदर ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी पाई जाती है, जो ह्यूमन फीमेल के मिल्क में होती है, जो कि बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होती है। अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन होता है इसमें, बिल्कुल सही लिखा है आपने। इसके अलावा इसकी एक उपलब्धि है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, कि आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा क्या भी की जा रही है, जीन थेरेपी कौन से रोगों के इलाज के लिए, जैसे कोई आनुवंशिक रोग है, जैसे हीमोफीलिया है, वर्णांधता है, कोई भी आनुवंशिक रोग है, तो उसका होम्योपैथिक से एलोपैथिक से इलाज नहीं होता है। तो आनुवंशिक रोगों के इलाज के लिए क्या की जाती है? जीन थेरेपी के अंदर क्या करेंगे? संक्रमित जीन या दोष युक्त जीन के स्थान पर स्वस्थ जीन लगाया जाएगा, या उस जीन पे कुछ हेर फेर की जाएगी। तो जीन थेरेपी का पहला प्रयोग, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, जीन थेरेपी का पहला प्रयोग 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की या बच्चे में ट्रांस 4 वर्षीय
अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ये क्या लिखा है, रामकरण आ गई क्या, 2.4 ग्राम प्रोटीन इन मिल्क, रोजी, एडिनोसिन डीएमिनेज, एडिनोसिन डीएमिनेज, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया, दूर करने के लिए जीन थेरेपी का सबसे पहले उपयोग किया गया था। अब बताओ, अगर किसी के अंदर, किसी बच्चे के अंदर या किसी वयस्क के अंदर इस एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी भी हो जाए तो क्या होगा, जो इसकी कमी को दूर करने के लिए सबसे पहले जीन थेरेपी, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, सबसे पहले जीन थेरेपी कब की गई थी, तो 1990 में एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए। तो यदि इस एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी हमारी बॉडी में रहेगी तो उससे क्या होगा, ये बताओ। तो फिर क्यों जीन थेरेपी की जरूरत पड़ी, बताओ फटाफट आंसर लिखो, क्यों जरूरत पड़ी जीन थेरेपी की, आप आंसर लिखो, मैं वेट कर रही हूं। उन्नीस सौ नब्बे में, ये तो मैंने बता ही दिया। आप तो मुझे ये बताओ कि एडिनोसिन डीएमिनेज की अगर हमारी बॉडी में कमी रहेगी ना, हाँ बिल्कुल, रामकरण जाट ने सही लिखा है, 2.4 ग्राम प्रोटीन पर लीटर मिल्क में होता है, रोजी के मिल्क में, देखो है ना, ये एडिनोसिन डीएमिनेज होता है ना, ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी होता है, ये हमारे किसके लिए जरूरी होता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। अगर हमारी बॉडी में इस एडिनोसिन डीएमिनेज की क्या होती है, कमी, तो हम सभी रोगजनकों के प्रति हमारी प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, कम, सभी रोगजनकों के प्रति हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, सभी रोगजनकों के प्रति हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, कम, हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, डाउन, ये इसकी वजह से वो होता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशियंसी डिजीज, तो इसकी कमी को इसलिए फुलफिल करते हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव रहे। तो जीन थेरेपी भी संभव हुई, जीन थेरेपी के द्वारा क्या होता है, आनुवंशिक रोगों का इलाज, जीन थेरेपी के द्वारा क्या होता है, आनुवंशिक रोगों का इलाज, जो अभी भारत में नहीं होती है, जीन थेरेपी भारत में नहीं हो रही है इजीली, विदेशों में ही होती है जीन थेरेपी। और इसके अलावा फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग की उपलब्धि है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के क्वेश्चन करते हैं। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, किस हमारी बॉडी के सीमन से, बालों से, नाखून से, ब्लड से, कहीं से भी डीएनए का सैंपल ले सकते हैं और उसकी जांच के द्वारा किसी भी की व्यक्तित्व की पहचान होती है, जैसे इसके द्वारा हमारा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन होता है, हमारे आधार कार्ड में, डॉक्यूमेंट्स में डीएनए प्रिंट्स लिए जाते हैं ना, इसके अलावा अपराधी का पता लगाने में, कोई भी अस्पतालों के अंदर बच्चे गुम जाते हैं तो उनका पता लगाने के अंदर, कोई भी अपराधी होता है ना, किसी स्थान पर क्राइम हुआ है तो वहां से सैंपल जुटाते हैं, कोई बाल तो नहीं मिला, किसी की ब्लड की ड्रॉप तो नहीं मिली, फिर उसको शक होता है, उससे मैच कराते हैं, तो उसके आधार पर अपराधी की पहचान होती है। तो ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का यूज है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की खोज किसने की थी, एलेक्स जेफरी ने, विश्व में इसकी खोज किसने की थी, एलेक्स जेफरी ने डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की खोज की थी विश्व स्तर पर। भारत में इसकी खोज किसने की है, लालजी सिंह, भारत में इसके खोजकर्ता हैं लालजी सिंह। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के अंदर क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति के डीएनए का RFLP तैयार करते हैं, किसी भी व्यक्ति के डीएनए का RFLP
तैयार करते हैं। अब आप RFLP की फुल फॉर्म बताओ मुझे। ये तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का यूज तो समझ ही गए ना, आइडेंटिफिकेशन के अंदर, अपराधियों का पता लगाने के अंदर, पहचान सुनिश्चित करने के लिए, हमारे ब्लड से, ह्यूमन के सीमन से, बालों से, नाखून से DNA का सैंपल ले सकते हैं, मल्टीपल स्थानों से ले सकते हैं, हमारी बॉडी का सारी जगह का सैंपल एक ही आएगा। आप देखते होंगे ना, आंखों को भी स्कैन करते हैं, जब आधार कार्ड या पैन कार्ड आप कुछ बनवाने जाते हो डॉक्यूमेंट्स, तो आईज भी स्कैन होती हैं आजकल। हाँ बिल्कुल लालजी सिंह। अब ये RFLP होता है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, RS3 में आया हुआ ये रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये होता है RFLP। RFLP के अंतर्गत क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की सहायता से DNA के छोटे छोटे पार्ट्स तैयार किए जाते हैं, उसे ही RFLP कहा जाता है। इसको पढ़ लो ना, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, रेस्ट्रिक्शन से DNA के फ्रेगमेंट्स तैयार किए जाते हैं। तो RFLP के अंदर क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के द्वारा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा DNA की खंड तैयार किए जाते हैं। DNA के टुकड़े बनाना क्या कहलाता है, RFLP कहलाता है। इसके अंदर ये क्वेश्चन आप याद रखना, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, वेरी गुड। क्या हुआ, एक बफरिंग हो गई क्या वीडियो में, समझ गए? अच्छा, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन इंडिया, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन इंडिया कहाँ पर है बताओ, भारत के अंदर। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान का केंद्र, इसको हिंदी में कहते हैं कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान का केंद्र, कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ पर है, भारत के अंदर कहाँ पर है बताओ। ये तो क्वेश्चन आता है कई बार, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी मैंने आपको करवाया है, परीक्षाओं में भी पूछते हैं। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहां पर है, हैदराबाद के अंदर। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है हैदराबाद। एक का भी आंसर नहीं आ रहा, अब आया है राम कुमार जाट का। हाँ, इसको फिर DNA को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा सेपरेट करते हैं, आएगा ये क्वेश्चन दिया है मैंने, कल करा दूंगी क्वेश्चन। आज तो 9 तो बज ही गए, अभी तो बहुत सारी थ्योरी बाकी है, इसके क्वेश्चन मैं आपको कल करा दूंगी, है ना। बिल्कुल रामकरण जाट ने सही लिखा है, हैदराबाद। तो ये एक तो DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक आती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर एक कौन सी टेक्निक भी आती है, PCR टेक्निक आती है। PCR की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। इस PCR टेक्निक की खोज 1985 में किसने की थी, कैरीमुलस ने। इसकी खोज 1985 में किसने की थी, कैरीमुलस ने इसकी खोज की थी 1985 में। PCR टेक्निक के अंदर क्या करते हैं, DNA का एम्प्लीफिकेशन, DNA का आवर्धन, और DNA का आवर्धन करते हैं जिससे कुछ ही समय में एक DNA की हमें असंख्य प्रतियां प्राप्त हो जाती हैं। जैसे जेरोक्स मशीन में हम कागज लगाते हैं ना, उससे उसके बहुत सारी कॉपियां तैयार हो जाती हैं, वैसे ही इस PCR मशीन के द्वारा DNA की बहुत सारी कॉपियां तैयार कर ली जाती हैं। इसके अंदर DNA को हाई टेम्परेचर पर ट्रीटमेंट दिया जाता है, DNA को है ना उच्च तापमान पर से गुजारते हैं। इसकी PCR टेक्निक के अंदर एक स्पेशल एंजाइम यूज होता है, PCR टेक्निक का एंजाइम याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक एंजाइम यूज होता है जिसका नाम है टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये जो टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ना, ये हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है, क्योंकि PCR टेक्निक 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी काम करती है। तो ये जो टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये
ये थर्मस एक्वाटिकस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। थर्मस एक्वाटिकस नामक जीवाणु से प्राप्त होता है। और ये जो थर्मस एक्वाटिकस नामक जीवाणु है ना, ये कहाँ रहता है? ये जो जीवाणु है, गर्म पानी के झरनों में पाया जाता है। ये जीवाणु गर्म पानी के झरनों में पाया जाता है। अब गर्म पानी के झरनों में मिलेगा तो ये हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है, और हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है इसीलिए इसका एंजाइम यूज होता है पीसीआर टेक्निक के अंदर। पीसीआर टेक्निक में डीएनए को उच्च तापमान पर गर्म करके उसका सेपरेशन करते हैं और फिर उसको कम तापमान पर वापस ठंडा करते हैं। तो इसकी आप ये मेन मेन पॉइंट्स आप याद रख लेना। पीसीआर टेक्निक की खोज कैरी मुलस ने की है। इसके अंदर डीएनए की असंख्य कॉपियां तैयार कर सकते हैं। इसमें टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम आता है जो थर्मस एक्वाटिकस नामक जीवाणु से प्राप्त होता है। अभी इतना नहीं कराना है ना, क्या नाम है आपका? शिक्षा जगत, आरएस का तो एग्जाम ही आ गया, तो क्या बच्चे हैं? 50 दिन बचे हैं, तो इनको मेरे को कॉन्फिडेंस थोड़ी गिराना है, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है ना। कैसे कॉन्फिडेंस गिर जाएगा? इतना खतरनाक बताऊंगी तो, इनको टाइप्स ऑफ पीसीआर बताऊंगी तो। इतना समझ गए क्या? पीसीआर का उपयोग, हाँ, कोविड-19 के अंदर पीसीआर टेक्निक वैसे ना, हाँ, एड्स के उसमें भी काम आती है ना। पीसीआर का आधुनिक परीक्षण है एड्स का, एड्स का आधुनिक परीक्षण है पीसीआर, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, जिसके अंदर, क्योंकि जो एड्स का वायरस होता है ना उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्षमता होती है, तो वो आरएनए वायरस होता है लेकिन हमारी बॉडी में जाकर किस में बदल जाता है? डीएनए में बदल जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? पीसीआर टेक्निक का यूज बहुत सारी बीमारियों में करते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया ना, एड्स के अंदर करते हैं ना, एड्स की आधुनिक जांच पीसीआर है। जनरली आरएनए वायरस जहाँ पर भी होते हैं ना, वहाँ पर पीसीआर, इस पीसीआर टेक्निक का यूज कर लेते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो आरटीपीसीआर है ना, मैं वही बोलना चाह रही हूँ, सुन लो, अब लिखना ही पड़ेगा मुझे। जो एड्स का वायरस होता है ना, या जो कोरोना वायरस हमारी दुनिया जिंदगी में आया था, ये दोनों ही वायरस आरएनए वायरस हैं। ये दोनों ही वायरस, याद रखना, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस हैं। एड्स के वायरस और कोरोना वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, एकल रज्जू की आरएनए वायरस हैं। लेकिन ये हमारी बॉडी में जाकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? डीएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं। और आरएनए का डीएनए में बदलना क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए का डीएनए में बदलना क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसीलिए आपको पता होगा कि कोरोना का टेस्ट कर रहे थे आरटीपीसीआर। कोरोना में कौन सा टेस्ट कर रहे थे? आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है, लेकिन वो हमारे शरीर में जाकर किस में बदल जाता है? डीएनए के अंदर बदल जाता है। इसलिए उसका टेस्ट हो रहा था ना, आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। है तो ये डीएनए का टेस्ट, लेकिन इन वायरसेस में ऐसी पावर है कि ये हमारी बॉडी में जाकर डीएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए इनके टेस्ट के अंदर पीसीआर टेक्निक यूज होती है। अच्छा, आरएस मेंस में आया था ये समझ गए ना आप? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चैन रिएक्शन के बारे में, इसीलिए इस टेस्ट का यूज करते हैं। चलो अभी मैं आपको एक और टेक्निक बता देती हूँ। वैसे देखो, बायोटेक बहुत बड़ी है, मैंने आपको बहुत मुख्य मुख्य चीजें बताई है। वैसे इसको अगर एक एक घंटे पढ़े ना तो पूरा एक वीक लगे। अच्छा, अभी मैं आपको इसके अंदर एक बता देती हूँ, कौन सी टेक्निक? क्लोनिंग। क्लोनिंग टेक्निक पे से क्वेश्चन पूछते हैं। क्लोनिंग टेक्निक के द्वारा वो डॉली भेड़ का क्लोन बनाया गया है ना, रोजेलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड के। रोजेलिन इंस्टीट्यूट, कौन थे ये व्यक्ति बताना? इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट भी लिखना नहीं आ रहा है मेरे को, ये ऐसे लिख देती, रोजेलिन इंस्टीट्यूट, ये है स्कॉटलैंड।
स्कॉटलैंड के कौन से व्यक्ति थे, व्यक्ति का नाम बताओ, रोजलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड के व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम स्तनधारी का क्लोन बनाया, सर्वप्रथम स्तनधारी का क्लोन बनाया। और स्तनधारी का जो प्रथम क्लोन बनाया था ना, उसका नाम क्या था? डॉली। स्तनधारी का क्लोन बनाया था जिसका नाम डॉली था। अब इस पर्सन का नाम लिखो जिसने डॉली भेड़ का क्लोन बनाया था। ये रोजेलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड के व्यक्ति थे। अच्छा, क्लोनिंग के अंदर क्या होता है? मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो क्लोनिंग एक अलैंगिक जनन की तकनीक है। लैंगिक जनन की तकनीक नहीं है ये, क्लोनिंग एक अलैंगिक जनन की तकनीक है। पहली बात तो ये अलैंगिक जनन की तकनीक होती है, क्योंकि लैंगिक जनन में तो क्या होता है, मेल और फीमेल मिलते हैं, वो लैंगिक जनन होता है ना। क्लोनिंग तो एक अलैंगिक जनन पर आधारित है, और क्लोनिंग एक केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक पर आधारित होती है। क्लोनिंग केंद्रक प्रतिरोपण सिद्धांत पर आधारित है, केंद्रक प्रतिरोपण सिद्धांत पर आधारित, न्यूक्लियस ट्रांसफर टेक्निक पर आधारित है। बिल्कुल इसने सही लिखा है, वेरी गुड। ये व्यक्ति थे डॉक्टर इयान विलमिट। डॉक्टर इयान विलमिट ने क्या बनाया था? प्रथम स्तनधारी क्लोन जिसका नाम क्या था? डॉली। ये क्लोनिंग टेक्निक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आधारित होती है, न्यूक्लियस ट्रांसफर पर बेस्ड टेक्निक होती है। इसके अंदर केंद्रक का ट्रांसप्लांट करते हैं, और केंद्रक का ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं वो देखो। इसमें मेल फीमेल नहीं है, ये एक भेड़ है, इसमें दो फीमेल भेड़ लेते हैं, मेल फीमेल नहीं है, दोनों साइड में फीमेल भेड़ है, ये भी फीमेल भेड़ है और ये भी फीमेल भेड़ है। अच्छा, अब एक फीमेल भेड़ की तो क्या ली? स्तन कोशिका। एक फीमेल भेड़ की स्तन कोशिका, और दूसरी फीमेल भेड़ की क्या ली? अंडकोशिका। दूसरी फीमेल भेड़ की अंडकोशिका, एग सेल। अंडकोशिका को क्या बोलते हैं? एग सेल। और स्तन कोशिका, मैमरी सेल। अब इस स्तन कोशिका ये ऐसी थी, मान लो और ये स्तन कोशिका का जो केंद्रक है ना, ये बीच वाला क्या है? केंद्रक। तो इस स्तन कोशिका का तो क्या लिया? केंद्रक। इसका तो न्यूक्लियस लिया। और ये वाली जो एग सेल थी ना, एग सेल, इसका केंद्रक तो निकाल दिया, इसका केंद्रक तो आउट कर दिया, और इसके ये कवर लिया, इसका अंडे का कवर लिया, समझ रहे हो? अब इस कोशिका के केंद्रक को इस कोशिका के अंदर ट्रांसफर किया, इनको क्या दिया गया? विद्युत उद्दीपन, इलेक्ट्रिक शॉक दिया। इलेक्ट्रिक शॉक देने से इस अंड कोशिका के कवर में इस कोशिका का केंद्रक ट्रांसफर हो गया, समझ गए? अब इस न्यूक्लियस वाली जो सेल है ये, इसको किस में ट्रांसफर किया गया? इस वाली भेड़ में ट्रांसफर किया गया, इस वाली भेड़ के शरीर में इसको क्या कर दिया? ट्रांसफर। अब इस भेड़ ने सामान्य तरीके से डॉली नामक भेड़ को जन्म दिया, डॉली नामक भेड़ को जन्म दिया, और डॉली नामक भेड़ को इसने जन्म दिया। लेकिन ये डॉली किसके समान होगी? इसके जैसी होगी या इसके जैसी होगी आनुवंशिक लक्षणों में, ये बताओ। इस वाली भेड़ ने डॉली भेड़ को जन्म दिया, तो डॉली किसके जैसी होगी? जिसके जैसा जिसने केंद्रक दिया उसके जैसी, या जिसने सेल का कवर दिया उसके जैसी? नमस्ते सरिता, बताओ भाई, फटाफट बताओ। ये जो डॉली है ना, इसने इस भेड़ ने डॉली को जन्म दिया, तो आपको मुझे ये बताओ कि ये डॉली किसके जैसी होगी? भारत में पहला पशु क्लोन गरिमा नाम की मुर्रा भैंस का क्लोन महिमा थी, हरियाणा ने विकसित किया था इसको।
लेफ्ट वाली, ये लेफ्ट राइट कुछ नहीं होता है। आप मुझे ये बताओ, जिसने केंद्रक दिया उसकी या जिसकी सेल का कवर लिया उसकी, वो दो। ये लेफ्ट राइट क्या होता है? केंद्रक जैसी। हाँ, जिसने ये जो डॉली भेड़ है ना, ये ध्यान रखना, डॉली भेड़ किसके जैसी होगी? केंद्रक दाता भेड़ के समान। किसी ने भी जन्म दिया हो उससे कोई मतलब नहीं है, डॉली होगी केंद्रक दाता भेड़ के समान, क्योंकि आनुवंशिक लक्षण तो किसमें ही होते हैं? केंद्रक में होते हैं ना। हमारे हेरिडिटेरी करेक्टर्स किसमें होते हैं? आनुवंशिक लक्षण केंद्रक में होते हैं। आनुवंशिक लक्षण किसमें होते हैं? केंद्रक में। तो फिर वो जो बच्चा जन्म लेगा वो जिसका केंद्रक है वैसा ही तो होगा ना। जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो केंद्रक में ही होती है। तो जो डॉली भेड़ है वो केंद्रक दाता भेड़ के समान है, समझ गए? डॉली भेड़ का जन्म कब हुआ था? डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996। डॉली भेड़ का जन्म हुआ था 5 जुलाई 1996 को। और डॉली की डेथ कब हुई थी ये बताओ? डॉली की मृत्यु हुई थी जब आप वैलेंटाइन डे मनाते हो ना, घुटनों पे बैठ के फूल देते हो, विल यू बी माई वैलेंटाइन, उस दिन इस डॉली भेड़ की डेथ हुई थी। अब आप उस दिन का मुझे तारीख बता दो। अब ये तो फटाफट से आ जाएगी आपको तारीख, है ना? ये तारीख बता दो आप, जिस दिन आप बोलते हो ना, विल यू बी माई वैलेंटाइन। गोपाल गुजर, केंद्रक जैसी। हाँ, 14 फरवरी 2003 को। वेरी गुड। ये 14 फरवरी 2003 को फेफड़ों के रोग के कारण डॉली भेड़ की क्या हो गई थी? मृत्यु। इसका रीजन क्या था? लंग्स डिजीज के अंदर, लंग्स की डिजीज हो गई थी, फेफड़ों का इन्फेक्शन हो गया था इसी के कारण से। बिल्कुल, 1997 में नहीं, इसका जन्म हुआ था 96 में, और 14 फरवरी को फेफड़ों की बीमारी के कारण इस डॉली भेड़ की क्या हो गई थी? मृत्यु। तो इसमें देखो, है ना, आपको इतना तो पता ही होगा, नहीं पता है तो सुन लो। हमारी बॉडी की जनरली जो सेल होती है ना, वो हमेशा 2n होती है। चाहे हमारी बॉडी में, चाहे वो स्तन कोशिका हो, हाथ की हो, पैर की हो, नाक की हो, कान की हो, लेकिन हमारी जो अंड कोशिका होती है या हमारा जो स्पर्म होता है ना, शुक्राणु होता है, ये हमेशा कैसा होता है? हैप्लोइड होता है। एग सेल और स्पर्म हैप्लोइड होते हैं, अदर सेल्स डिप्लॉइड होते हैं। इसका मतलब क्या है एन और टू एन का? 2003 में, 14 फरवरी 2003 को फेफड़ों की रोग के कारण डॉली की क्या हो गई थी? मृत्यु। अब आप मुझे ये बताओ, इनका मीनिंग क्या है एन और टू एन का? मैम इस टाइम ही क्लास लिया करो। अच्छा, सही है, इस टाइम ही लिया करो। देखो, है ना, 2N का मतलब क्या होता है? किसी भी जीव के कुल गुणसूत्र, किसी भी जीव के कुल गुणसूत्रों को किससे लिखते हैं? 2N से। और किसी भी जीव के आधे गुणसूत्र को किससे लिखते हैं? N से। कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम 2N एंड हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोजोम इज N, समझ गए? कुल, हाँ, ये तो डिप्लॉइड होता है जिसमें कुल गुणसूत्र होते हैं, अंडा होता है जिसमें आधे गुणसूत्र होते हैं। अगर देख लो, ये केंद्रक था स्तन कोशिका का, और स्तन कोशिका तो कैसी होगी? 2N। ये अंड कोशिका है तो ये तो कैसी होगी? N होगी। लेकिन इसका इफेक्ट डॉली पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंड कोशिका का केंद्रक तो फेंक दिया ना, अंड कोशिका का केंद्रक तो काम में ही नहीं लिया था, इसका तो ओनली कवर काम में लिया था। न्यूक्लियस तो किसका था? स्तन कोशिका का। इसलिए डॉली भेड़ कैसी हो गई? डिप्लॉइड, कंप्लीट क्रोमोसोम वाली नॉर्मल भेड़ बनी ना वो। अगर एग सेल का न्यूक्लियस लेते तो फिर तो हैप्लोइड डॉली बनती, जो किसी काम की नहीं रहती। स्तन कोशिका का केंद्रक लिया, और इसका केंद्रक तो कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। इसलिए जो डॉली भेड़ बनी थी ये भी कैसी बनी थी? द्विगुणित बनी थी, इसमें भी कुल गुण सूत्र थे। अब ऐसे अलग अलग एनिमल्स के बहुत सारे अब तो क्लोन बना लिए गए हैं।
जैसे कि इसने अभी लिखा ही है ना, गरिमा भैंस का क्लोन है, प्रथम और गरिमा भैंस का क्लोन। भैंस के क्लोन का नाम क्या है? प्रथम भी है भैंस का क्लोन, भैंस भैंस का ही क्लोन है गरिमा। ऐसे ही ऊंट का क्लोन है इंजाज, ऊंट का क्लोन इंजाज। भेड़ का क्लोन तो आपके सामने आ ही गया ना, डॉली। कुत्ते का क्लोन है स्नूपी, कुत्ते के क्लोन का नाम क्या है? स्नूपी। बंदर का क्लोन भी बनाया गया है, बंदर के क्लोन का नाम क्या है? एंडी और रोमांस। बंदर के क्लोन का नाम क्या है? एंडी और रोमांस। कुत्ते का क्लोन हो गया स्नूपी, ऊंट का है इंजाज, भैंस का है प्रथम और गरिमा। अब तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स के क्लोन बना लिए गए हैं। बिल्ली का है कॉपी केट। वॉइस प्रॉब्लम? अभी सही है क्या? सही आ गई ना अब तो? आ तो रही है। रही है ना? चलो, इसके बाद में मैं आपको एक और टेक्निक बता देती हूँ, जिसका नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी। ये टेक्निक है टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? परख नली शिशु। टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे कहते हैं परख नली शिशु। ये है, सही है ना? परख नली शिशु के जनक हैं रॉबर्ट एडवर्ड्स। परख नली शिशु के जनक कौन हैं? रॉबर्ट एडवर्ड्स। परख नली शिशु के जनक रॉबर्ट एडवर्ड्स। परख नली शिशु की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? ऐसे दंपत्ति जिनके सामान्य तरीके से संतान नहीं होती है, तो पुरुष में भी कोई कमी हो सकती है, कोई महिला में भी कमी हो सकती है। और हमारे देश के वीआईपी लोग होते हैं ना, वो तो शौक से भी परखनली शिशु करते हैं आजकल। तो इसके अंदर क्या होता है? किसी भी माता से क्या लिया जाता है? अंडा। अब ये अंडा देने वाली माता वो खुद भी हो सकती है, और हो सकता है कि उसके अंडे नहीं बन रहे हों तो किसी से अंडे खरीदने पड़ेंगे। और पिता से क्या लिया जाता है? शुक्राणु स्पर्म लेते हैं। अब ये शुक्राणु स्पर्म इस मेल के शरीर में बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं। अगर नहीं बन रहे हैं तो ये किसी से शुक्राणु खरीदेगा, और बन रहे हैं तो अपने ही शुक्राणुओं का यूज होगा। आ रही है ना? अच्छा, तो अब इस अंडे का और शुक्राणु का क्या होता है? निषेचन। इस अंडे और शुक्राणु का क्या करते हैं? निषेचन। लेकिन इसका निषेचन ही तो इम्पॉर्टेंट है ना, इनका निषेचन कहाँ पर होता है? प्रयोगशाला के अंदर, परख नली में, नियंत्रित परिस्थितियों में निषेचन करवाया जाता है। अतः इस टेक्निक को क्या भी कहते हैं? आईवीएफ। अखबारों में नहीं पढ़ते हो आप, बड़े बड़े ऐड आते हैं हॉस्पिटल्स के, आईवीएफ आईवीएफ लिखा हुआ रहता है। आईवीएफ की फुल फॉर्म ही क्या है? आईवीएफ की फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ की फुल फॉर्म क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। पात्रे निषेचन से प्राप्त संतति, ऐसी संतति जिसका निषेचन पात्र में हुआ है। माता के शरीर में निषेचन नहीं होता है, निषेचन लैब में होता है। अब इस निषेचन के फलस्वरूप तो क्या ही बनेगा? जाइगोटी बनेगा, बनने में कोई जाइगोटी बनेगा। अब इस जाइगोट से फिर क्या बनेगा? भ्रूण, एम्ब्रियो। जाइगोट से फिर क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। जाइगोट को हिंदी में क्या बोलते हैं? युग्मनज। अब इस भ्रूण को किसमें ट्रांसफर कर देते हैं? माता के गर्भाशय में। भ्रूण को फिर किसमें ट्रांसफर कर देंगे? माता के गर्भाशय में ट्रांसफर कर देते हैं। और अब ये माता इसको सामान्य तरीके से जन्म देती है, इसको परख नली शिशु कहते हैं। इसमें है ना बहुत बहुत आजकल वेरिएशन है परख नली शिशु में,
कितनी प्रकार की कमियां होती है ना। मान लो कोई फीमेल है, इसके अंडे ही नहीं बनते हैं, तो फिर ये अंडे किसी और से खरीदने पड़ेंगे ना, तो फिर अंडा किसी और का रहेगा, उसके ही अनुवांशिक लक्षण आएंगे। फिर अब मेल है, इसके शुक्राणु नहीं बन रहे हैं, तो ये किसी से शुक्राणु खरीद भी सकता है। और ऐसे दंपत्ति जिनके अंडा और शुक्राणु बनते हैं, लेकिन अगर किसी और कारण से फर्टिलाइजेशन फैल हो रहा है या भ्रूण का परिवर्धन नहीं हो पा रहा है, तो उनको भी पेरेक्नली शिशु की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो ये जाइगोट या एम्ब्रियो का फीमेल की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और इसमें निषेचन स्पेशली प्रयोगशाला के अंदर नियंत्रित परिस्थितियों में करवाया जाता है। अतः इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, आईवीएफ, आईवीएफ टेक्निक बोलते हैं। अच्छा, अब देखो इसके अंदर दो पॉइंट्स आते हैं। एक आता है जेडआईएफटी और एक आता है आईयूआई, आईयूटी, और एक आता है जीआईएफटी। ये का इनका फुल फॉर्म बताना है आपको, इनका फुल फॉर्म बताओ। देखो है ना, मेरे को कमेंट देखने पड़ेंगे भाई साथ साथ, नहीं तो पता चला आवाज ही नहीं आए और मैं क्लास कराती रहूं इधर। जेडआईएफटी की फुल फॉर्म क्या होती है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। IUI की फुल फॉर्म क्या होती है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, IUT। एक होता है GIFT, इसको बोलते हैं गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये तीन वर्ड हैं इसके अंदर। आप देखो ये ना 12th क्लास का मैटर है, लेकिन ये आया हुआ है, जूनियर अकाउंटेंट में आया हुआ सवाल है। जीआईएफटी, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ऐसी महिला जिसके शरीर में अंडाणु नहीं बन रहे हैं, वो किसी से अंडाणु खरीद कर किसमें ट्रांसप्लांट करवाती है, फैलोपियन ट्यूब में। समझ रहे हो, मैंने आपको बताया ना भाई इनफर्टिलिटी के तो मल्टीपल रीजंस हैं। अब एक रीजन हमने ये माना, ऐसी महिलाएं जिनके अंडाणु नहीं बनते, ऐसी महिलाएं जिनके अंडाणु नहीं बनते, जिनके अंडाणु नहीं बन रहे हैं, वो क्या करती हैं, अंडे किसी से खरीदने पड़ेंगे, और अंडे को खरीद कर किस में ट्रांसप्लांट करवाती है, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट में GIFT, गैमेट फैलोपियन ट्रांसफर। इतना समझ गए क्या? अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ये निषेचन हुआ, इससे क्या बना, जाइगोट, और फिर जाइगोट से क्या बनता है, भ्रूण, भ्रूण को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। अब जरूरी थोड़ी है कि इसको एम्ब्रियो स्टेज में ही ट्रांसप्लांट हो, जाइगोट स्टेज में भी तो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं ना। अब जाइगोट का जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसको जेडआईएफटी कहते हैं। अभी मैंने फुल फॉर्म लिखी है ना इधर, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यदि भ्रूण का ट्रांसप्लांट जाइगोट स्टेज में फैलोपियन ट्यूब में हो तो उसको जेडआईएफटी कहा जाएगा। जेडआईएफटी का मतलब होता है जाइगोट का फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरण, जाइगोट का फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरण, तो वो क्या कहलाता है, जेडआईएफटी। समझ गए, अगर इनिशियल स्टेज में जब उसमें 8 कोशिकाएं बनी हैं तो ऐसे जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, जिसे जेडआईएफटी कहते हैं। और भ्रूण में जब कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं, 32 कोशिकाएं बन जाती हैं, तो इसका ट्रांसफर किसमें करते हैं, फीमेल के गर्भाशय। और गर्भाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूट्रस। तो गर्भाशय को यूट्रस बोलते हैं ना, और इसका गर्भाशय में जो ट्रांसप्लांट करते हैं ना उसको बोलते हैं IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ये है
इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, समझ गए क्या? इस मतलब जरूरत के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होगा भाई। ऐसे जब भ्रूण मैच्योर स्टेज में आएगा, जब उसमें 32 कोशिकाएं बनेंगी, तब वो गर्भाशय में जाता है। नेचुरली भी ऐसा ही होता है। तो जब गर्भाशय की जाने की कंडीशन में होगा, तभी उसको गर्भाशय में ट्रांसप्लांट करेंगे। अगर जाइगोट स्टेज में ही ट्रांसफर कर रहे हैं तो फिर वो फेलोपियन ट्यूब में ही होगा। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर जानते हो ना, बना के बताऊं क्या? जनरली ऐसा होता है। इसमें यहाँ पर ऐसे फिंगर लाइक प्रवर्ध होते हैं जिस पर ओव्यूम अटैच होते हैं तरीके से, और ये वाली होती है अंडाशय। ये होता है अंडाशय जिसे कहते हैं ओवेरी, और ये वाला होता है गर्भाशय। गर्भाशय को क्या कहते हैं? यूट्रस। और ये वाली होती है फैलोपियन ट्यूब। ये होती है फैलोपियन ट्यूब। अब आप मुझे ये बताओ कि अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? नेचुरली फीमेल में ओव्यूम फॉर्मेशन कहाँ होता है? इस प्रश्न का आंसर दो। वो उसमें वो बाद में कराऊंगी, अभी उस अभी आरएस वाला एग्जाम हो जाए उसकी बात कराऊंगी। अभी फर्स्ट ग्रेड का तो कुछ आता पता ही नहीं है, वैकेंसी तो आई नहीं है, करा दूंगी, उसमें तो बहुत टाइम है अभी। आप तो मुझे ये बताओ कि अंडाणु का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? बात का आंसर लिखो आप कमेंट में। ओव्यूम का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? आज तो मैंने प्रश्न ही नहीं बताया, आज का प्रश्न बता दिए। ओव्यूम का फॉर्मेशन आज प्रश्न कब बताए थे? मैंने तो प्रश्न ही नहीं बताया आज। हाँ, नेचुरली ओव्यूम का फॉर्मेशन, अंडे का निर्माण कहाँ पर होता है? अंडाशय में। अब ये अंडाशय के अंदर अंडे बनते हैं और फिर कहाँ पहुंच जाते हैं? फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। निषेचन कहाँ पर होता है? निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। नेचुरली बता रही हूँ मैं, नेचुरली भी फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। अब ये निषेचन से जो जाइगोट बनेगा ना, और इस जाइगोट से जब भ्रूण बनेगा, और इस भ्रूण में जब कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं? 32। तो 32 कोशिका बनने के बाद ये यूट्रस में आता है, हमारे नेचुरली जो फर्टिलाइजेशन होता है ना। अच्छा, जो ऑफलाइन क्लास में बताए थे, 32 कोशिकीय अवस्था में इसका यूट्रस में ट्रांसप्लांट होता है। तब फिर इसका 9 महीने 9 माह तक बच्चा कहाँ रहता है? गर्भाशय में रहता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में भी सेब ऐसा ही होगा। जब इसको जाइगोट स्टेज में ही ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो फेलोपियन ट्यूब में ही कराना होगा। अगर एम्ब्रियो के अंदर 32 सेल्स बन गई तो इसका ट्रांसप्लांट यूट्रस में होगा। जाइगोट में ट्रांसप्लांट, जाइगोट का फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसप्लांट ZIFT होता है, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। गर्भाशय में ट्रांसफर करते हैं उसको इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर कर कहते हैं। लेकिन इसके लिए भ्रूण में 32 कोशिकाएं होनी चाहिए। वो बात की बातें हैं, वो अभी नहीं बता रही हूँ। चलो, इतना समझ गई क्या? और है ना, ऐसे पुरुष भी तो हो सकते हैं ना जिनमें शुक्राणु नहीं बन रहे हों। ऐसे पुरुष जिनमें शुक्राणु नहीं बनते हैं तो वो क्या करेंगे? वो दूसरे से शुक्राणु खरीदेंगे, और शुक्राणुओं को खरीदते हैं और उसको फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर किया जाता है। उसको कहते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसिमिनेशन, IV। वो इंट्रा यूटेराइन इंसिमिनेशन, ये होता है। जैसे ऐसे पुरुष जिनके स्पर्म नहीं बनते हैं तो वो क्या करेंगे? किसी से स्पर्म खरीदेंगे और उसको महिला की फेलोपियन ट्यूब में या गर्भाशय में ट्रांसफर करवाते हैं। उसको कहते हैं इंट्रा यूटराइन इंसिमिनेशन। ये पुरुष वाला हो गया। अब ये बताओ, आप प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी, विश्व का पहला, प्रथम विश्व का प्रथम परखनली शिशु, विश्व का प्रथम परखनली शिशु कौन सा है?
विश्व का पहला प्रथम परखनली शिशु, नाम और उसका जन्म कब हुआ था? भारत का पहला परखनली शिशु, भारत का पहला परखनली शिशु, नाम और इसका जन्म कब हुआ था? अच्छा, और भारत का दूसरा परखनली शिशु, भारत का दूसरा परखनली शिशु, सेकंड टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ वर्ल्ड। आंसर बताओ। भारत का पहला परखनली शिशु है दुर्गा अग्रवाल, और इस दुर्गा अग्रवाल का ही नाम है कनुप्रिया अग्रवाल। विश्व का पहला, बताओ, दुर्गा अग्रवाल का ही नाम क्या है? कनुप्रिया अग्रवाल। आप विश्व वाले का नाम, किसी ने भी आंसर नहीं लिखा है अभी तक, मैं आंसर का वेट कर रही हूँ आपका, इसलिए रुकी हुई हूँ, बाकी मैं तो अभी 1 मिनट में लिख दूंगी। विश्व का पहला प्रथम परखनली शिशु कौन सा है? लुईस जोए ब्राउन, लुईस जोए ब्राउन। इंग्लैंड के अंदर जन्म लिया था इसने 25 जुलाई 1978 को, 25 जुलाई 1978 को कहाँ पर जन्म लिया था? इंग्लैंड के अंदर। और दुर्गा अग्रवाल ने 3 अक्टूबर 1978 को जन्म लिया था भारत के अंदर, दुर्गा अग्रवाल ने, कनुप्रिया अग्रवाल, 3 अक्टूबर 1978। अब ये बता दो, हाँ, लुईस जोए ब्राउन तो मैंने लिख ही दिया था। भारत का दूसरा परखनली शिशु, भारत का दूसरा परखनली शिशु कौन है? हर्षा, ये दूसरा है, प्रीति मैंने आज कंफर्म किया था। भारत का सेकंड टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा है, हर्षा जिंदा है अभी, इसके खुद के बच्चा हो गया अब हर्षा के। हर्षा मुंबई की है, मुंबई की है हर्षा, मुंबई का पहला परखनली शिशु है, भारत का दूसरा परखनली शिशु है हर्षा, मुंबई की है ये। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आप समझ गए होंगे, इसके क्वेश्चन भी मैंने तैयार कर लिए हैं प्रीवियस ईयर के, जो मैं आपको कल करा दूंगी, है ना, कल वाली क्लास में करा दूंगी, तो हम इस टॉपिक के साथ आपके प्रश्न भी हो जाएंगे ना। और अब थ्योरी पढ़ ली तो आपको थोड़ा प्रश्न करना भी इजी लगेगा ना, थोड़ा कुछ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ही होगा, तो इससे आपको प्रश्न के आंसर देना भी आसान लगेगा अब। हाँ, हर्षा है भारत की दूसरी, बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलो फिर कल पढ़े हम, ये मैंने आपको वैसे मतलब मेन मेन पॉइंट्स करा दिए हैं इसके। तो फिर बाय ना। हाँ, डॉक्टर सुभाष इसके डॉक्टर थे, दुर्गा अग्रवाल के, भारत का डॉक्टर ही है जो परखनली शिशु को लेकर आया था, बिल्कुल सही लिखा है इसने, डॉक्टर सुभाष। ये ऐसे पहले डॉक्टर है भारत के जिन्होंने प्रथम परखनली शिशु का जन्म करवाया था। टाइम तो वही रहेगा 5 बजे का, ये ना, ये तो आज थोड़ा लेट हो गए थे, बाकी टाइम तो वही 5 वाला ही रहेगा हमारा, कोई टाइम ठीक भी है, कल क्लास वही 5 बजे ही लूंगी। ठीक है।